तो गाइस आज क्लास 10th का साइंस पेपर था, तो उसका स्टूडेंट रिव्यू देखिए। चार और आज हम आ गए पेपर का रिव्यू लेने। नाम बताइए। आदित्य। आप सभी आइए आगे, वीडियो ऑन हो गई ना इसलिए। क्या नाम है? भुवनेश सिंह। आपका? अरमान। कैसा था पेपर? ठीक ही था, मतलब जैसे मॉडरेट लेवल होता है, मतलब कर लिया आराम से 70 आ जाएंगे हम लोग। अच्छा, 70 आ जाएंगे। आपका? ठीक ही गया, मेरा 65 तक हो सकता है। आपका? अच्छा गया, 50 प्लस आ जाएंगे। अच्छा, ये बताइए केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो में कौन सी टफ आई थी? केमिस्ट्री टफ आई थी। केमिस्ट्री टफ थी, रिएक्शंस टफ थे। अच्छा, केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल पोर्शन कैसा था? मतलब उसको कह नहीं सकते, टफ ही था। हम लोग सबसे आसान बायो आई थी। सबसे आसान बायो थी। अच्छा, फिगर्स वगैरह बनाए? हाँ, फिगर्स तो बहुत। अच्छा, आपने? हाँ, बनाया है। केमिस्ट्री टफ नहीं लगी? कुछ टफ नहीं था, फिजिक्स टफ ही नहीं आई थी। अच्छा, फिजिक्स कैसा था ये बताइए, थोड़ा न्यूमेरिकल वगैरह? न्यूमेरिकल्स कुछ ज़्यादा नहीं थे, 2-3 न्यूमेरिकल्स थे जिनको कर लिया हम लोगों ने। अच्छा, पेपर पूरा हो गया टाइम से? हाँ, टाइम से हो गया, वो तो 5 मिनट पहले ही हो गया था। हो गया था। नेक्स्ट किस चीज़ का है? अभी नेक्स्ट SST का। SST वो कैसा, टफ लगता है कि आसान है? नहीं, लेंदी है। अच्छा, SST के लिए हमारे चैनल पर टिप्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारे SST में 95 मार्क्स आए थे बोर्ड में, तो उसमें आप लोग थोड़ा वो मदद मिलेगी कैसे लिखा जाता है, और कोशिश करना कि पैरा की जगह पॉइंट्स में आंसर लिखना, टीचर को अच्छा लगता है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको नेक्स्ट पेपर के लिए। धन्यवाद।